बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर मलिक जुबैर एंड टुडे इज 21st of June 2020 एंड इट्स संडे। एज यू नो दैट टुडे वाज सोलर इक्लिप्स, सो आई डिसाइडेड टू गिव अ लेक्चर ऑन व्हाट आर इक्लिप्सिस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट वट इज इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्लिप्स किसे कहते हैं। ये जो इक्लिप्स है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ठीक है बच्चों, ये कैसे होता है? इट इज व्हेन वन ऑब्जेक्ट इन द स्काई मूव्स इन टू द शेडो ऑफ अनदर सच ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट सन में किसी ऑब्जेक्ट की शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट पर देखें, दैट वी कॉल्ड ए इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, so as you know that we have already discussed in class 6th what is shadow। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें आसानी होगी समझने में what is eclipse। ठीक है बच्चों, as you know that I have write down there are two types of eclipses, one is solar eclipse and another is lunar eclipse। बच्चों ऐसा क्या आप जानते हैं, आज जो सुबह 8 बजे से ही eclipse था, जो approximately सबको पता है। सो बच्चों, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स, जिसे हम कहेंगे चांद ग्रहण एंड सूरज ग्रहण। ठीक है बच्चों, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं? व्हेन द मून शेडो क्रॉसेस द अर्थ सरफेस। ठीक है बच्चों, व्हेन द मून शेडो क्रॉसेस द अर्थ सरफेस सोलर इक्लिप्स ऑकर्स, एंड व्हेन ल्यूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून मूव्स इनटू द शेडो ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, शेडो ऑफ मून ऑन अर्थ सरफेस, यहां पर क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में हम देख सकते हैं शेडो ऑफ मून, मून की शेडो जो है वो हम कहां पर देख सकते हैं, अर्थ पे देख सकते हैं। किस पे बनी होती है, किस पे बनी होती है बच्चों, सन पे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, व्हेन द मून मूव्स इनटू द शेडो ऑफ अर्थ, अर्थ शेडो ऑन फुल मून, वहां पर क्या पड़ता है, अर्थ की जो शेडो है वो किस पर बनती है, मून पे, उसे हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। सोलर इक्लिप्स, मून कम्स बिटवीन द, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। जब यहां पर मैंने देखा ये सन है, जब मून सन और अर्थ के बीच में आती है फिर क्या होता है, फिर सोलर इक्लिप्स होता है। ज्यूरिंग सोलर टोटल सोलर इक्लिप्स जो हमने आज देखा, सोलर टोटल सोलर इक्लिप्स जो है, द डिस्क ऑफ द मून फुली कवर्स द ऑफ द सन। ये जो मून की जो है, मून जो है ये फुली कवर करता है किसे, सन को। ठीक है बच्चों, एंड ओनली द सन्स कोरोना इज विजिबल। ये जो कोरोना है सन का, यही विजिबल होता है, ये हम रिंग की सूरत में देख सकते हैं, जैसे कि आज हमने देखा है। ऐसे सोलर इक्लिप्स हम कहां पर देख सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वी सी व्हाट, व्हेन होल मून कवर्स द सन ओनली द कोरोना ऑफ द सन इज विजिबल, टेक्स प्लेस ओनली द फेस ऑफ न्यू मून। ये कब होता है, जब न्यू मून बनती है तभी क्या, सोलर टोटल सोलर इक्लिप्स विजिबल होता है। ठीक है बच्चों, अब एक यहां पर हमने देखा व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स। ठीक है बच्चों, अब ल्यूनर इक्लिप्स जो है यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है ये ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, हैपनस एट फुल मून, जब फुल मून होती है, दैट इज 14th ऑफ न्यू मंथ। ठीक है बच्चों, जब फुल मून होती है तब क्या होता है, तब ल्यूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सन अर्थ एंड मून, वहां पर क्या होता है, वो सन इसमें क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में जब मून आती है अर्थ और सन के बीच में, यहां पर क्या होता है, जब अर्थ आता है सन एंड मून के बीच में, तब क्या होता है, तब जो मून की शेडो किस पे पड़ती है, मून की शेडो, सॉरी ये अर्थ की शेडो हम मून पे देख सकते हैं, क्योंकि इस पे सन की लाइट डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती है, एंड द फेस ऑफ द अर्थ विच डज नॉट रिसीव द लाइट एंड दैट मेक शेडो ऑन
मून दैट वी सी दैट वी कॉल्ड ए ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, ल्यूनर इक्लिप्स ऑक्योर्स व्हेन सन अर्थ एंड मून आर अलाइनड। यहां पर मैंने देखा है सन अर्थ एंड मून आर अलाइनड, सो ल्यूनर इक्लिप्स ऑक्योर्स व्हेन अर्थ इज, और वी कैन से व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन ल्यूनर इक्लिप्स ऑक्योर्स। जब क्या होता है, जब अर्थ किसके बीच में आता है, मून एंड सन के बीच में आता है, तो ल्यूनर इक्लिप्स होता है। बच्चों हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जब सोलर इक्लिप्स हो या ल्यूनर इक्लिप्स, डू नॉट सी डायरेक्टली इन द ऑब्जेक्ट्स, और वी कैन से व्हेन टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, व्हेन टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर्स, डू नॉट इवन इनडायरेक्टली सी ऑन इन द सन, दिस कैन डैमेज आवर आईज। ठीक है बच्चों, इससे हमारी जो आईज है उनको नुकसान पहुंच सकता है। सो बच्चों दिस इज इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब मून बीच में आती है सन एंड अर्थ के, तो मून की मून जो है ये पूरा कवर करता है सन को, ओनली रिंग ऑब्जर्व हम कर सकते हैं किस पे, अर्थ पे, दैट वी कॉल्ड ए सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या आता है, जब अर्थ की शेडो हम देख सकते हैं किस पे, मून पे, उसे हम ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। सोलर इक्लिप्स में हम कैसे कहते हैं, ये मून की जो शेडो है वो हम सन पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, ये जो इक्लिप्स होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है, साल में कई बार होता है, हम देख सकते हैं इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, इक्लिप्स आर टू टाइप, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। एक को सोलर इक्लिप्स कहते हैं, दूसरे को ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। ओके बच्चों, ओके, अस्सलाम वालेकुम।